कैसे हैं दोस्तों आप लोग। ज्ञानबाजी के एक और शानदार द हिंदू एडिटोरियल लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं निखिल और दिन की शुरुआत करते हैं एक ब्यूटीफुल थॉट के साथ। थॉट है, एवरीबडी हैज अ विल टू विन बट वेरी फ्यू हैव द विल टू प्रिपेयर टू विन। वाह कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर विल शब्द का मतलब है इच्छा शक्ति। वैसे विल के दो मतलब और होते हैं, एक तो मॉडल वर्ब में आता है विल, और दूसरा विल का मतलब होता है वसीयत। लेकिन उन दोनों के हिसाब से नहीं, हम बात कर रहे हैं इच्छा शक्ति के हिसाब से। तो ये थॉट ये कहता है कि हर किसी में जीतने की इच्छा तो है, विल टू विन तो है, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जिनमें जीत की तैयारी करने की इच्छा है। वो एक कहावत है ना, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना आप प्रैक्टिस में पसीना बहाओगे उतना परफॉर्मेंस के समय आपका खून कम बहेगा। सच बात है दोस्तों, अकेले बैठकर सिर्फ ख्वाबी दुनिया में रहकर बड़े बड़े सपने देख लेना, ये तो बहुत आसान है। न जाने कितने ही बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो गांव से शहर आ जाते हैं और उसके बाद कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। माँ बाप को भी ऐसा लगता है कि अब इसको हमने क्लास ज्वाइन करा दिया है, अब इसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन कभी ये बात को बच्चे सोचते ही नहीं है कि उस एग्जाम को पास करने के लिए जो कुर्बानी देनी है, उस एग्जाम को पास करने के लिए जो तैयारी लगने वाली है, उसके लिए जो मेहनत लगने वाली है, वो कहाँ से आएगी। और वो करने के लिए लगती है इच्छा शक्ति, द विल पावर। और जब तक आपके अंदर वो नहीं है, बिलीव मी, आपके लिए कोई सेज बहार नहीं है, आपके लिए कोई बेड ऑफ रोजेस बिछाए हुए नहीं है, आपके लिए कोई रेड कारपेट नहीं है। जिंदगी में अगर आपको कुछ भी हासिल करना है, आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सरल हिसाब है, चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, कुछ भी हो, राइट। रजनीकांत, जिनकी हम अक्सर बातें करते हैं व्हाट्सएप में, अलग अलग जोक्स उनके ऊपर आते हैं, ये रजनीकांत जब तक अपने किसी एक टेक से सेटिस्फाई नहीं हो जाते, ये कम से कम 250 से 300 बार एक ही सीन की प्रैक्टिस करते हैं। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, कभी कभी किसी मूवी में अगर उनको ऐसा लगा कि ये सीन बराबर नहीं आया है, तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद करके उस सीन को कम से कम 250 से 300 बार आजमा के देखते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड परफेक्शन, खुद से लड़ने की शक्ति। अक्षय कुमार आज भी सवेरे 3 बजे उठ के अपने लिए सारे काम करते हैं और अपने शरीर को फिट रखते हैं। सचिन तेंदुलकर, भारत में क्रिकेट के आइकॉन, ये सचिन तेंदुलकर ने 2003 के विश्व कप के पहले 55 दिनों तक लगातार 18 घंटे प्रैक्टिस की थी, 18 घंटे पर डे, तब जाके सचिन सचिन बन पाए। ब्रेट ली, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर, दुनिया के सबसे फास्ट बॉलर्स में से एक, इन्होंने 140 माइल पर आवर्स तक बॉल फेंकी है 2003 के विश्व कप में, जिसके लिए उन्होंने 6 महीने तक सिर्फ बॉइल फूड खाया था। ऐसा नहीं है दोस्तों, लोगों को अगर जिंदगी में कुछ भी करना होता है तो उसके लिए लोग सैक्रिफाइस करते हैं, लोग उसके लिए कुर्बानियां देते हैं, लोग उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, और तब जाकर वो मेहनत रंग लाती है और तब जाकर आपको आपकी सफलता मिलती है। जब मैं मेरा बिजनेस खड़ा करने की बात कर रहा था, तो एक बात मुझे मेरे सीनियर्स ने बताई थी, जब खून पसीना मेहनत और ज्ञान, खून पसीना मेहनत और ज्ञान, ये सब कुछ एक साथ टेबल पे उतारोगे, तब जाके एक बिजनेस खड़ा हो पाएगा। अब स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, अगर मैं अपने 10 साल के अनुभव से आपको कुछ बता सकता हूं, तो आज सिर्फ इतनी बात बताऊंगा कि तैयारी में अगर मेहनत नहीं करोगे तो सफलता बैठे बैठे कभी नहीं मिलने वाली है। ये तो आप लिख के ले लो। और अगर आपने तैयारी में मेहनत की है तो सफलता आपसे नाराज नहीं रहेगी, ये भी लिख के ले लो। फिर वैकेंसीज, 10 वैकेंसी आए, 15 वैकेंसी आए, 20 वैकेंसी आए, ये वैकेंसी देखकर फॉर्म भरने वाले लोग मुझे बड़े कायर लगते हैं। अगर आप वैकेंसी देखकर फॉर्म भरोगे, इसका मतलब आपके अंदर अपना विश्वास नहीं है। हाँ ठीक है, वैकेंसीज अगर हर जगह पर है तो समझदारी ये कहती है कि जहां ज्यादा वैकेंसी होगी वहां फॉर्म भरना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कम वैकेंसी देखकर फॉर्म ही नहीं भरते हैं, क्योंकि उनको अंदर से पता होता है कि उनके बस की बात नहीं है। इसको बोलते हैं हिम्मत हार जाना, इसको बोलते हैं कि तैयारी ठीक से ना होना और उस वजह से मैदान छोड़ देना। कोशिश ये करिए कि आप उन लोगों में से रहे जो कड़ी मेहनत करें और अपने लिए कुछ अच्छा हासिल करें। भैया 2020 में वैसे ही बहुत कुछ नेगेटिव स्प्रेड हुआ दुनिया भर में,
अगर आपका रिजल्ट इसमें अगर पॉजिटिव आ गया तो इससे बड़ी और कोई खुशी की बात नहीं होगी दोस्तों। चलिए आज का काम शुरू करते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये हमने जस्ट 3 दिन पहले ये लेक्चर अपलोड किया था आपके लिए, शुक्रवार को दोपहर 3 बजे। ये हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानबाजी पर अवेलेबल है। बड़ा ही शानदार क्लासरूम सेशन है ये, भारत की सीमा सुरक्षा एवं चुनौतियां और तेजस प्लेन में स्पेशलिटीज क्या है उसके ऊपर। अगर आपको गलवान घाटी की समस्या एक्चुअली में कैसी है समझना है, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत के क्या प्रॉब्लम्स है, सीमावर्त प्रॉब्लम्स क्या क्या है, या अगर आप चाहते हैं कि समुद्र तट से भारत को कितने प्रॉब्लम्स है, इन सब के बारे में आप समझना चाहते हैं, तो 45 मिनट का एक शानदार क्लासरूम सेशन आपका इंतजार कर रहा है। मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, यूट्यूब चैनल ज्ञानबाजी टाइप करिए, जिसमें 4 बार A होना चाहिए, और उसमें GK वीडियो टॉपिक्स पे जाइए, वहां पर आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। वैसे मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसकी लिंक शेयर करके रखी है, अगर आप देखना चाहें तो ये आपके लिए अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑनलाइन करियर काउंसलिंग के लिए फील फ्री टू कॉल मी, मेरा नंबर आपके पास है ही। मेरा 10 साल का अनुभव आपके लिए करियर में काफी मदद कर सकता है। अगर आपको करियर चुनने में प्रॉब्लम जा रही है, करियर बदलने में प्रॉब्लम जा रही है, अगर आपको लगता है कि तैयारी ढंग से नहीं हो रही है, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, या अगर ऐसा भी कुछ है कि आपने कई साल से गैप ले लिया है, शादी हो गई और कई साल का गैप आ गया और अब आप दोबारा पढ़ाई करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई कैसे करनी है, हर प्रकार के करियर रिलेटेड काउंसलिंग के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, एक और बम्पर मेगा अनाउंसमेंट आप सबके लिए। आज शाम को 7 बजे ICICI बैंक के सिलेक्शन प्रोसीजर पे मेरा एक लाइव सेशन होने वाला है, संकल्प एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। याद रखना, ज्ञानबाजी पर नहीं, संकल्प एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। इसकी लिंक मैं आपको थोड़ी देर में फॉरवर्ड कर दूंगा, डोंट वरी। तो ये जो स्पेशल सेशन है ये उन बच्चों के लिए है जिनका ग्रुप डिस्कशन का पार्ट क्लियर हो चुका है और जिनको अब OPQ और PI के लिए कॉल आया है। आई रिपीट, जिनको OPQ और PI के लिए कॉल आया है उन बच्चों के लिए, या जिनको आने वाला है उन बच्चों के लिए है। अब उन्होंने एक एक करके कॉल, जिन्होंने 1 तारीख को GD दिया था उनका रिजल्ट तो आ चुका है और अब धीरे धीरे सबका रिजल्ट आने ही वाला है। तो आप ये सेशन देख लीजिए, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। सो बी रेडी और शाम को 7 बजे अवेलेबल रहिएगा। इसकी लिंक मैं आपको थोड़ी देर में ABD संकल्प पे, ज्ञानबाजी टेलीग्राम चैनल पे, हर जगह फॉरवर्ड कर दूंगा, आप अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचा दीजिए। ऑलराइट दोस्तों, चलिए फिर आज का काम शुरू करते हैं। लीजिए भैया, आज का टॉपिक बड़ा ही शानदार टॉपिक है, एक्सप्लॉइटिंग द चाइनीज एग्जिट। ओके, अब एक्सप्लॉइटिंग द चाइनीज एग्जिट, एक लाइन में जरा मैं आपको इसका मतलब समझा दूं कि ये क्या बोल रहा है। एक्सप्लॉइट करने का मतलब होता है शोषण करना, किसी का शोषण करना। लेकिन एक्सप्लॉइट का एक और मतलब होता है, एक्सप्लॉइट का मतलब ये होता है कि अरे भाई, किसी मौके का अच्छा फायदा उठाना पॉजिटिव सेंस में और उसमें से अपने लिए कुछ अच्छा अचीव करना। उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए आपके पास एक कैनन D80 का शानदार DSLR वाला एक बढ़िया सा कैमरा, मतलब एक वीडियो कैमरा है आपके पास, राइट? आपने वो कैमरा रख दिया है किसी सूटकेस में और 3 साल हो गए, कभी निकाला ही नहीं। और अगर आपको कभी फोटो खींचने का या किसी चीज का काम पड़ा तो आप स्टूडियो में जाकर पैसे देकर ये काम करा रहे हैं, तो कोई आपसे ये कहेगा कि घर पे जो कैमरा है उसको एक्सप्लॉइट करो। एक्सप्लॉइट करने का मतलब उसका उपयोग करो, राइट? समझ में आया? तो यहां लेखक क्या कह रहे हैं कि एक्सप्लॉइटिंग द चाइनीज एग्जिट। अब चाइनीज एग्जिट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, लिखने का ढंग देखिए। चाइना के 118 एप्स को हमने बंद कर दिया, राइट? जिसमें पबजी भी है, जिसमें कैम स्कैनर भी है और उसमें दुनिया भर के अलग अलग एप्स हैं, वी चैट वगैरह सब कुछ। अब ये ऐप बंद कर देने के बाद भारत में अचानक से एक वैक्यूम पैदा हो गया है, क्योंकि उस एप्स का कोई सब्स्टिट्यूट भारत में अभी ठीक से आया नहीं है। तो लेखक ये कह रहे हैं कि इंडिया के टेक्नोलॉजी बिजनेसेस के लिए, इंडिया के सॉफ्टवेयर बनाने वालों के लिए, इंडिया के ऐप डेवलपर्स के लिए इससे अच्छा मौका नहीं आएगा।
अरे जब चाइनीज चले ही गए हैं तो हमको फटाफट ऐप बनाकर हमको भारतीय मार्केट अपने कब्जे में ले लेना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसा चाइना ने गूगल को भगा के अपने देश में कर लिया था। तो हमारे पास ये एक अच्छा मौका है और जल्द से जल्द माफ करना, इंडियन कंपनीज को इसके ऊपर कुछ सोचना चाहिए। तो आज का आर्टिकल बड़ा शानदार है और आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे तथ्य पता चलेंगे कि आपके अंतर्द्वंद में एक अजीब सी बिजली कौंधने लगेगी। तो चलिए भैया जरा शुरू करते हैं, नोटबुक निकाल लीजिए, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और लेट अस बिगिन विद दिस सेशन। हाँ भाई, तो ये है आज का आर्टिकल, एक्सप्लॉइटिंग द चाइनीज एग्जिट। ऑलराइट, तो लेट अस स्टार्ट विद द रीडिंग। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं जरा आपको बीच में एक एक-आध दो पैराग्राफ हो जाने के बाद, नॉट शुरुआत में ही, आपको जरा इंडियन आईटी कंपनीज ने कैसे अस्तित्व में आने की कोशिश की और भारत में टीसीएस, विप्रो और इंफोसिस की सफलता के पीछे क्या राज रहा, वो भी मैं आपको आज 5 मिनट में बताने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज सेशन पर अंत तक बने रहिएगा, आपको ये समझ में आएगा कि इंडियन सॉफ्टवेयर आज इतने बड़े कैसे हो गए, टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस इतने हजारों हजारों स्टूडेंट को हर साल जॉब कैसे दे देते हैं और किस तरीके से इंडिया में आईटी का एक बहुत बड़ा मार्केट तैयार हो गया और जिस वजह से हमारे लिए चाइना को पछाड़ना या पीछे कर देना बेहद आसान हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक्सप्लॉइटिंग द चाइनीज एग्जिट। ओके, नीचे लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ चाइनीज टेक द प्राइमरी इंडियन ऑब्जेक्टिव मस्ट शिफ्ट टू प्रोवाइडिंग फॉर इंडियंस। द प्राइमरी इंडियन आईटी ऑब्जेक्टिव मस्ट शिफ्ट टू प्रोवाइडिंग फॉर इंडियंस। कहने का मतलब यह है कि चाइनीज लोगों के चले जाने के बाद भारत के आईटी सेक्टर वाली कंपनियों का सबसे पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि इंडियन लोगों का भला करे, ना कि अमेरिकन्स का भला करे, ना कि किसी और का भला करे, सबसे पहले इंडियन लोगों को देखे क्योंकि यहीं पर असली मार्केट छुपा हुआ है। राइट, कहने का मतलब ये है कि अगर कैम स्कैनर वो लेकर चले गए, एक मोबाइल ऐप है पेपर को स्कैन करने की, चाइना की थी, हमने बंद कर दी, वो बंद हो जाने के बाद उसके जैसी ऐप जल्द से जल्द भारत में डेवलप होनी चाहिए और वो बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। पबजी बंद हो चुका है तो पबजी जैसा एक गेम हमको यहाँ पर शुरू करना पड़ेगा। अब वो फौजी वगैरह आया हुआ है बट इट हैज टू बी एज इफेक्टिव एज द अर्लियर ऐप वॉज और हमको वैसे के वैसे पूरा मार्केट एब्जॉर्ब करना है। राइट, सिद्धार्थ पाए ये है आज के लेखक, तो इन्होंने ये आर्टिकल बनाया है। चलिए पढ़ते हैं क्या कहते हैं सिद्धार्थ साहब। द करंट इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, झगड़े, तसल, हैज एक्सपांडेड वॉचफुल इंडियन आईज इनटू साइबर स्पेस बट द चाइनीज पुट अप ब्लाइंडिंग शील्ड्स ऑन देयर ओन इंटरनेट टेरिटरी मोर देन अ डिकेड अगो। वाओ, अब देखो ये लाइन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, आज बहुत बढ़िया बढ़िया बातें इसमें लिखी हुई है। ये बोल रहे हैं कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे चल रहे झगड़े के वजह से ऐसा हुआ है कि हमारी आंखें अब साइबर स्पेस के तरफ उठने लगी है। कहने का मतलब ये कि साइबर वाली दुनिया में अब आगे क्या होगा, क्योंकि इतने सारे ऐप बंद कर दिए जो हम चाइना के भरोसे चलते थे, तो वो सब बंद हो गया तो उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि चाइना ने इतने सारे ऐप कैसे बनाए? वो उन्होंने कई दशक, यानी नॉट कई लेकिन एक दशक पहले ही उन्होंने अपने कंट्री को वेस्टर्न लोगों के प्रभाव से बंद करके, रोक के, अपने आप को डेवलप करके बनाए हैं। ये ऐसा उन्होंने किया, इसलिए लिखा हुआ है ब्लाइंडिंग शील्ड्स ऑन देयर ओन इंटरनेट टेरिटरी मोर देन अ डिकेड। डिकेड का मतलब होता है 10 साल का समय और उन्होंने अपने आप को शील्डिंग में, इंटरनेट टेरिटरी में बंद करके रख लिया। द चाइनीज गवर्नमेंट बिगिन इरेक्टिंग सेंसरशिप बैरियर्स, व्हाट आई लाइक टू कॉल द ग्रेट इंटरनेट वॉल ऑफ चाइना। एक है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो कि 2000 साल तक बनी थी, 20,000 किलोमीटर बनी थी, और अब ये है द ग्रेट इंटरनेट वॉल ऑफ चाइना and banned several popular western websites and applications years ago. Please guys, ये ध्यान से समझना, ये बोल रहा है कि चाइना ने अपने देश की बाउंड्री के अंदर एक इंटरनेट वॉल लगा के रखा है, वहां पर किसी भी विदेशी कंपनी को जाने नहीं दिया जाता, इंटरनेट वाली किसी भी कंपनी को। आपको पता है ना, चाइना ने गूगल को भगा दिया है, चाइना में फेसबुक नहीं चलता, चाइना में ट्विटर नहीं चलता, चाइना में
स्नैपचैट जैसी चीजों के लिए उन्होंने अपना एक अलग ही ऐप बना के रखा है। तो ये जो चाइना ने किया है, ये चाइना ने कैसे किया, वेस्टर्न कंट्रीज यानी अमेरिका, यूरोप, वहां के जितने अलग अलग साइबर प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इंटरनेट वाली, गूगल फेसबुक जैसी, उनको कभी अपने देश में घुसने ही नहीं दिया उसने। एक समय पे घुसने दिया था, लेकिन नाराज होकर कंपनियों को फिर भगा दिया और कुछ कंपनियां खुद ही छोड़कर चली गई। देखो एक अगले पैराग्राफ में बहुत बढ़िया बात दी हुई है। इन जनवरी 2010 गूगल अनाउंस्ड दैट इन रेस्पॉन्स टू अ हैकिंग अटैक फ्रॉम विद इन चाइना ऑन इट एंड डजन्स ऑफ अदर यूएस कंपनीज, इट वॉज नो लॉन्गर विलिंग टू सेंसर सर्चेस इन चाइना एंड वुड पुल आउट ऑफ द कंट्री कंप्लीटली। कितनी बढ़िया बात है, देखो ये बोल रहा है कि चाइना में 2010 तक गूगल हुआ करता था, ओके, अमेरिका वाला गूगल चाइना में था 2010 तक था, लेकिन चाइना ने गूगल को इस शर्त पे रखा था कि कुछ कुछ चीजें गूगल को अपने सर्च इंजिन से हटानी पड़ेंगी जो कि चाइना के खिलाफ भ्रांतियां, गलतफहमियां पैदा कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए चाइना का खूनी मर्डरस काला इतिहास, राइट? तो सपोज अगर कोई बच्चा गूगल में टाइप करके उसको सर्च करेगा, चाइना के अंदर का बच्चा, तो उसको वो कभी नहीं दिखना चाहिए, राइट? चाइना ने ये पाबंदी लगा के रख दी थी गूगल को। गूगल को ये बोला गया था कि तुम हमारे देश में तभी धंधा कर सकते हो जब तुम हमारे इतिहास को बहुत ही बड़ा गौरव इतिहास दिखाओगे, राइट? गूगल ने बोला ठीक है। लेकिन हुआ ये कि साल 2010 आते आते चाइनीज कंपनियों ने गूगल और अमेरिका की कुछ अलग अलग कंपनियों में हैकिंग कर ली, उनका डेटा चुराने की कोशिश कर ली। उस वजह से गूगल इतना नाराज हो गया कि गूगल ने साफ कान पकड़ लिए कि आज के बाद तुम्हारी जितनी पुरानी चीजें हैं जो मैंने सेंसर करके रखी थी, जो मैं दुनिया को और I mean चाइना के लोगों को नहीं बता रहा था सर्च करने पर, अब मैं वो बताने लग जाऊंगा। और दूसरा, उन्होंने ये भी बोल दिया कि अब हम चाइना के साथ धंधा नहीं करेंगे, तो उन्होंने चाइना से अपना धंधा वापस खींच लिया। ये 2010 में हुआ। ये हो जाने के बाद अब चाइना में गूगल था ही नहीं, तो चाइना को खुद का स्वदेशी कोई तो सर्च इंजिन खड़ा करना पड़ेगा, तो चाइना ने बनाया बाइडू। अब वो बाइडू जो है वो चाइना का एक बहुत पॉपुलर सर्च इंजिन बन चुका है और अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो चाइना ही नहीं दुनिया के स्तर पर आ चुका है। अब इस चीज को जरा आप गलवान घाटी से जोड़िए तो आपको समझ में आएगा क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेखक। लेखक ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जैसे हमने चाइनीज ऐप को भगा दिया, ओके, और चाइना ने जैसे उसके देश में गूगल की जगह बाइडू बना लिया, हमको भी ये पबजी की जगह फौजी, वी चैट की जगह हमारा कोई इंडियन चैट, हमारी कुछ अलग अलग चीजें बनानी पड़ेंगी और मिलियंस ऑफ मिलियन सब्सक्राइबर्स उसके कर लेने पड़ेंगे ताकि हम भी दुनिया की नजरों में एक बहुत बड़े ऐप डेवलपर बन जाएं। और ये करने के तरीके इन्होंने आज समझाए हैं, आइए देखते हैं आगे। मीनवाइल इन द इंटरवीनिंग ईयर्स, इंटरवीनिंग का मतलब होता है बीच के वर्षों में, Since Google and others were forced out, the Chinese internet market exploded and has grown to over 900 million users. देखा, Google के चले जाने के बाद चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि चाइना ने अपना इंटरनेट मार्केट और बढ़ाया और 900 मिलियन नए यूजर्स जोड़ लिए। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो काउंट कर लेना कितने हो गए। मोस्ट ऑफ देम ऑन मोबाइल फोन, और इन सारे लोगों को कैसे जोड़ा, मोबाइल फोन पे जोड़ा। और पराकाष्ठा देख लो, बाप रे, हंसी आ गई मेरे को। इन सबको उन्होंने गूगल के ही एंड्रॉइड वर्जन में जोड़ लिया। बताओ, मतलब गूगल नाराज होके भाग गया और गूगल के एंड्रॉइड में चाइना ने अपने अलग अलग एप्स लाके पटक दिए और 900 मिलियन सब्सक्राइबर भी बटोर लिए। कमाल है बॉस, कमाल है। फ्रॉम जस्ट ओवर 300 मिलियन इन अर्ली 2010, जो 300 मिलियन थे 2010 में, अब वो 900 मिलियन के ऊपर चले गए। दिस इज अकॉर्डिंग टू द चाइना इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, अ ब्रांच ऑफ कंट्रीज मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनकी जो आईटी मिनिस्ट्री है वहां से ये सारी बातें पता चली है। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। चाइनाज लीड, चाइनाज लीड का मतलब होता है लीड करना, जहां पर चाइना आगे है। तो चाइना आगे कहां है ये देखिए। इन हाइंडसाइट चाइनाज सेंसर्स लुक लाइक
सुपर्ब लॉन्ग रेंज इकोनॉमिक प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजीज। ओके, अगर हम एक नजर से देखें, चुपचाप अगर हम देखने की कोशिश करें, तो चाइना जो विदेशी कंपनियों को अपने देश में घुसने नहीं देता ना, ये उसकी एक सोची समझी टेक्नोलॉजी और आर्थिक दृष्टि से की गई एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, ऐसा मालूम पड़ता है। अच्छी बात है। द ग्रेट इंटरनेट वॉल डिड नॉट फिल्टर एंड स्क्रीन वेस्टर्न कंटेंट सो मच एज इट इंसुलेटेड चाइनीज एंटरप्रेनर्स फ्रॉम बिग टेक इन सिलिकॉन वैली। द चाइनीज वेब मार्केट वॉज लेफ्ट विद सब्सटेंशियल एपेटाइट्स फ्रॉम इंटरनेट बेस्ड सोशल कमर्शियल एंड लाइफस्टाइल सर्विसेज विच बिग टेक कुड नॉट फुलफिल। राइट, अभी देखो कितनी अच्छी बात है। ये सिलिकॉन वैली ये वर्ड बार बार आएगा तो मैं जरा समझा देता हूं आपको, ये सिलिकॉन वैली का मतलब क्या है। असल में अमेरिका में एक जगह है सिलिकॉन वैली, जहां पर सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने दफ्तर खोल के रखे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों ने, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आईबीएम, इंटेल इनकॉर्पोरेशन, ये तो ऐसे एक पूरे एरिया का नाम है, स्पेशल जोन का नाम है सिलिकॉन वैली। कहते हैं कि सिलिकॉन वैली में दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरीज बांटी जाती हैं। तो सुंदर पिचाई और ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, इरिक स्किमिट, ओके, लारी पेज, सरजी ब्राइन, और उसके बाद फिर मार्क जकरबर्ग, ये सब लोग आपको सिलिकॉन वैली में मिलेंगे। वहां पर नए नए लोगों को प्रोजेक्ट भी दिए जाते हैं, और अगर उन्होंने सक्सेसफुली कर लिया तो उनसे वो खरीदे जाते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स में। भारत का सिलिकॉन वैली बोला जाता है बेंगलोर को। राइट, अब ये जो सिलिकॉन वैली है, ये सिलिकॉन वैली में बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं। राइट, अब ये टेक्नोलॉजी कंपनियों को चाइना अपने देश में जाने नहीं देता, बुलाता नहीं है, लेकिन उसके बदले में पिछले इतने सालों में चाइना ने खुद का इंटरनेट मार्केट इतना बड़ा कर लिया कि चाइना ने लोगों की सोशल जरूरतें, लोगों की कमर्शियल जरूरतें, लोगों की लाइफस्टाइल सर्विसेज, हर चीज में दखल शुरू कर दिया, जो कि अमेरिकन कंपनीज भी ठीक से नहीं कर पाई। राइट, आपको एक बात मैं बता दूं, कल की बात है दोस्तों, कल की बात है, मैं इंस्टाग्राम पे था और मैंने इंस्टाग्राम पे एक बहुत बड़े बिल्डर्स के कुछ फ्लैट, नए 2 BHK, 3 BHK फ्लैट्स, विला अपार्टमेंट्स के बहुत अच्छे गैलरीज कलेक्शन आए हुए थे, और मैंने क्लिक किया और मैंने देखा, और मैं घर सर्च कर रहा था। वो एक पल हुआ, और उसके बाद जब भी मैं इंस्टा ओपन कर रहा हूं, मुझे वो सबसे पहले दिखाया जा रहा है। अजीब कनेक्शन है। अगर मैं गूगल में कुछ सर्च करूंगा और मेरी ईमेल आईडी चालू रहेगी बाजू के एक और पेज में, तो मुझे बार बार जो मैंने सर्च किया वही वही ऑप्शंस दिखाते रहेंगे। एक बार डोमिनोज पिज्जा से पिज्जा मंगवा के खा लिया तो अब बार बार पिज्जा के नोटिफिकेशन मुझे आते रहेंगे। ये स्वभाव है दुनिया का, और इस तरीके से ही धंधे किए जाते हैं, लाखों के, करोड़ों के, अरबों के, खरबों के। ये बात आप याद रखना। ऑल राइट, तो आपको क्या क्या पसंद है जरा मुझे जल्दी बता देना, रोज मैं आपको तंग करूंगा। ठीक है, होम ग्रोन फर्म सच एज वी चैट एंड अली बाबा हैड अ फील्ड डे बिल्डिंग एप्स दैट वर एट फर्स्ट फेथफुल रिप्रोडक्शन ऑफ सिलिकॉन वैली, बट सून मोर्ड इनटू डिस्टिंक्टली चाइनीज एप्लीकेशंस टेलर्ड सोलली टू द होम मार्केट। राइट, कहने का मतलब ये है कि ये जो वी चैट और अली बाबा है, ये दोनों कहाँ के हैं? चाइना के हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, सिलिकॉन वैली, अमेरिका की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों से चीजों को सीख लिया, और उसके बाद अपने देश के हिसाब से उसको कस्टमाइज करके, टेलर मेड करके अपने देश के हिसाब से बना लिया। इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि अमेरिका के सिलिकॉन वैली से इंडिया के किसी एक यानी सॉफ्टवेयर डेवलपर ने कुछ सीखा और उसने महाराष्ट्र के लोगों के लिए मराठी में उसके ऊपर ऐप बना दी। अब सिलिकॉन वाले मराठी में तो नहीं बनाएंगे, तो हमने उसका अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड ऐप बना दिया, ये उन्होंने किया। बाइडू हैज रिप्लेस्ड गूगल इन चाइना। देखो याद रखना है, ये 1 मार्क का जीके क्वेश्चन है। गूगल को चाइना में जो रिप्लेसमेंट मिला है वो कौन है? बाइडू। बाइडू उनकी खुद की घर की कंपनी है। कितनी बड़ी बात है, दुनिया के 10 सबसे बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज में से 2-3 कंपनियां भारत की है, टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस, लेकिन हमारे पास खुद का सर्च इंजन नहीं है। ये बाइडू जैसा हमारे पास कुछ नहीं है अभी तक। कितनी शर्म की बात है, इतने आईटी जायंट्स भरे पड़े तब भी।
योकु टोडू, अब नाम जरा बर्दाश्त कर लेना भैया, ऐसे ही नाम पसंद आते हैं इनको। योकु टोडू इज अ यूट्यूब एंड जियांग होंगशु, ओके, जियांग होंगशु इज अ वर्जन ऑफ इंस्टाग्राम, ओके। योकु टोडू जो है वो उनका यूट्यूब है, ओके। और ये जो है जियांग होंगशु, बहुत प्यारा नाम है, ये नाम जो है ये उनके यहाँ के इंस्टाग्राम का है। तो बेटा छत पे जाके ना रोज जोर जोर से, जोर जोर से, योकु टोडू योकु टोडू योकु टोडू, जियांग होंगशु चिल्लाना, ताकि इंटरव्यू में कभी कोई पूछे तो आपको ये नाम याद आ जाना चाहिए। ऑल राइट, समझ में आ गया आपको? तो इंस्टा, यूट्यूब और गूगल को चाइना में क्या कहते हैं, समझ में आ गया? फ्रॉम विच यूजर्स कैन शॉप फॉर गुड्स डायरेक्टली, यहाँ से आप अपने घर के लिए राशन पानी सब खरीद सकते हो, मास्क भी खरीद सकते हो। नालायकों ने पूरी दुनिया को रोक दे दिया और खुद मास्क बनाना बंद कर दिया। वी चैट बिगिन एज अ, आगे देखो, वी चैट बिगिन एज अ, एक सेकेंड, हाँ, सिंपल मैसेजिंग ऐप। वी चैट जो है वो एक सिंपल मैसेजिंग ऐप है ना, तो बीच में बहुत पॉपुलर था, बच्चों ने मुझे बोला कि आप भी डाउनलोड करो और ये वो। हमने कभी किया नहीं, ऐसा नहीं कि मैं उसके खिलाफ था, कभी जरूरत पड़ी नहीं। और उसके पहले वी चैट को हमारे यहाँ सरकार ने जयराम जी की कर दिया। बट इट इज नाउ मेनी थिंग्स फॉर चाइनीज सोशल मीडिया, न्यूज, मैसेजिंग, पेमेंट्स एंड डिजिटल कॉमर्स, राइट? अब तो ऐसा हो गया है कि बहुत सारी चीजों में चाइना सोशल मीडिया में, न्यूज, मैसेजिंग, पेमेंट्स, डिजिटल कॉमर्स हर जगह आ चुका है। अमेजोन जो अमेरिका का है, उसका एक अच्छा खासा रिप्लेसमेंट माना जाता है चाइना में अलीबाबा को। तो अलीबाबा ने काफी हद तक मतलब माइलेज बटोर लिया है इस मामले में। ऑल राइट, ये तो आप जानते ही हैं, जैक मा का अलीबाबा। वैसे जैक मा साहब रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के दिन बहुत बढ़िया गाना वाना गाया था उन्होंने। एज फार बैक एज 2016, यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा रिलीज्ड अ स्ट्रेटेजिक प्लान व्हिच एड्रेस्ड मेनी इश्यूज, बट द मोस्ट स्ट्राइकिंग पार्ट ऑफ दिस रिपोर्ट इज दैट इट अपियर्ड द चाइनीज हैड लर्न्ड देयर लेसन फ्रॉम फेलिंग टू मेक देमसेल्व्स एन आईटी आउटसोर्सिंग सर्विसेज सुपर पावर लाइक इंडिया हैड। 2016 की बात है, अब यहां से ना सारी चीजें टर्न हो जाएंगी, तो प्लीज ध्यान से सुनना। 2016 की बात है, बराक ओबामा ने लोगों के सामने कई मुद्दे उठाए थे और जिसमें उन्होंने बोला था कि चाइना के लोग जो हैं वो अभी भी आईटी में इतने अच्छे नहीं हैं, या फिर उन्होंने एक सबक सीख लिया है क्योंकि वो लोग इतने अच्छे नहीं हैं, ओके, कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन इतना अच्छा वो कर नहीं पाए जितना अच्छा भारत कर रहा है, क्योंकि भारत एक आईटी आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडर है, सुपर पावर है। अब इसका मतलब क्या है, प्लीज पेशेंस रखना बेटा, सेशन में मजा आ रहा है या नहीं? हाँ, जरा मुझे एक बार मैसेज करके बताया करो यार, लाइव चैट में कुछ लिखा करो अच्छा सा। हाँ, अब इसका मतलब क्या है जरा देखो, हाँ ध्यान से समझना दोस्तों, ये है अमेरिका, ओके, आपको एक झटके में समझ में आ जाएगा और जिंदगी भर कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, मेरा दावा है, ओके। यहां से करीबन 9000 किलोमीटर की दूरी पे अटलांटिक महासागर को पार करते हुए, अफ्रीका को पार करते हुए, मदागास्कर आइलैंड्स को पार करते हुए इधर आता है अपना सुनहरा भारत, राइट? इतना दूर है। हुआ ये कि साल चल रहा था 1991, अमेरिका की एक जानी मानी कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक्स, जो कि थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने के बाद बनाई थी। इस कंपनी के 1991 के समय मालिक हुआ करते थे जैक वेल्च, बड़े ही प्रसिद्ध प्रख्यात बिजनेसमैन रहे हैं ये, दुनिया मानती है जैक वेल्च को। जैक वेल्च है ना, काफी कड़े और डिसिप्लिन्ड आदमी थे। तो जैक वेल्च का दौरा लगा था गुड़गांव में, 1991 की बात है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आए थे जैक वेल्च। वहां इस कॉलेज में जैक वेल्च का स्वागत करने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज के एक लड़के ने, 8वें सेमेस्टर के लड़के ने शानदार अंग्रेजी में एक स्पीच पढ़ा। जैक वेल्च बड़े खुश हुए। जैक वेल्च ने उस लड़के को बोला, बेटा तेरे पास नौकरी है? अरे यार, दुखती ने उस पे हाथ रख दिया यार। तो उसके बाद लड़के ने बोला, नहीं सर, कैंपस प्लेसमेंट नाम की तो कोई चीज है नहीं, ये लोग सिर्फ पढ़ा रहे हैं, करते धरते कुछ नहीं हमारे लिए। तो जैक वेल्च को एक आइडिया आया कि क्यों ना भारत में हम आउटसोर्सिंग कर दें और अमेरिका में जितने कॉल सेंटर के जॉब हैं, जहां पर फोन उठाकर अंग्रेजी बोलनी पड़ती है,
वो कॉल सेंटर की नौकरियों के काम ये गुड़गांव वाले लड़कों को अगर दे दे तो कैसा रहेगा। यानी अमेरिका का एक कस्टमर फोन घुमाएगा और वो फोन अमेरिका के किसी कॉल सेंटर में नहीं लगेगा, वो 9,000 किलोमीटर दूर सात समुंदर पार भारत में कनेक्ट होगा और यहाँ का एक जगदीप जैक बन के अंग्रेजी में रटपट बातें करेगा और उसके समस्या का पूरा समाधान कर देगा। जैक वेल्च के दिमाग में ये आइडिया चलने लगा गुड़गांव वाले उस लड़के से मिलने के बाद। तो जैक वेल्च ने इस चीज की शुरुआत करनी चाहिए, भारत में कॉल सेंटर की शुरुआत हो गई और कॉल सेंटर की शुरुआत हुई बैंगलोर में, हैदराबाद में, और देखते 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 कॉल सेंटर का धंधा पनपने लगा। 12वीं पास बच्चे, ग्रेजुएट किए हुए बच्चे, जिनकी सिर्फ अंग्रेजी अच्छी है, थोड़ी बहुत पर्सनालिटी ठीक है, उन सबको 12,000, 15,000, 20,000 में 1991 के जमाने से इतने पगार में उनको बढ़िया जॉब लगने लगे और भारत में कॉल सेंटर देखते ही देखते खूब फ्लरिश होने लगा। और अमेरिका के सारे कस्टमर्स को बैकएंड में कौन संभालने लगा? इंडिया। समझ में आया? अब आपको एक बात बताऊं, दुनिया में सबसे ज्यादा कॉल सेंटर कहाँ चलते हैं? भारत में, थैंक्स टू द इंग्लिश, जो कि ब्रिटिशों से हमने सीख ली, आज उसका हमको फायदा मिल रहा है। अब कॉल सेंटर की दुनिया में भारत बादशाह है, लेकिन चाइना हमारी बराबरी कर नहीं सकता क्योंकि चाइना में कभी ब्रिटिश थे ही नहीं इतने ज्यादा, इसलिए चाइना को इंग्लिश आती नहीं है, इसलिए चाइनीज लोग चाह के भी आने वाले 50 साल में भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। ये है भारत का सुपर पावर, ये समझ में आया। उसके बाद एक और कड़ी रह गई है, जिस तरह से कॉल सेंटर का धंधा भारत में आ गया, भारत में बहुत सी छोटी छोटी कंपनियां ये सोच रही थी कि अमेरिका के बाकी के भी काम अगर हमको मिल जाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा यार। कौन से काम? अगर उनके सॉफ्टवेयर हम बना ले तो, उनका अटेंडेंस का काम हम कर ले तो, उनका बैक ऑफिस का कुछ काम होगा तो वो सब भी हम संभाल ले तो। अब ये सब करने के लिए अमेरिका और भारत को इंटरनेट की वायर से जोड़ना जरूरी था, वो भी 24 घंटे के लिए, और वो भी बिना किसी दुविधा के 24 घंटे अनइंटरप्टेड सर्विस देना जरूरी था। ये सोच रहे थे भारत में बहुत बड़े भीष्म पितामह, जिनको आज हम NR नारायणा मूर्ति कहते हैं। नारायणा मूर्ति उन दिनों पुणे में भाड़े की रूम लेकर रहा करते थे अपने 3-4 दोस्तों के साथ, और वो ये सोच ही रहे थे कि अमेरिका से कैसे सारा धंधा इंडिया लाया जाए और अपना कारोबार बढ़ाया जाए। वो ये सोच रहे थे और नसीब देखिए भैया, 1991 के ही समय भारत में, सॉरी दुनिया में ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार हो गया। और जैसे ही ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार हुआ, ऑप्टिकल फाइबर वो वायर होती है जिससे इंटरनेट लगता है, राइट? तो हुआ ये कि अमेरिका से सीधे सीधे मोटी मोटी वायरें बिछाई गई अटलांटिक महासागर में, अफ्रीका के नीचे से, मदागास्कर आइलैंड के नीचे से, और ये वायर्स पूरी लाई गई इंडिया, और तब जाकर भारत में आईटी सेक्टर खड़ा हो गया। इंफोसिस, विप्रो, उस जमाने में सत्यम नाम की भी कंपनी थी वो, TCS, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां पिक्चर में आई। इन लोगों ने हजारों 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 स्टूडेंट्स को जॉब देना शुरू किया और तब से भारत में आप देख लो इंजीनियरिंग में लड़कों में एक क्रेज आ चुका है कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग करने का। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उन सबको नौकरी मिल जाती है इस तरह की कंपनियों में अच्छे पगार पे। और ये कंपनियां इतनी फ्लरिश क्यों हो रही है? क्योंकि अपना धंधा कहाँ से लेकर आ रही है? अमेरिका से लेकर आ रही है। आपको क्या लग रहा है, सैटेलाइट से चलता है ये सब कुछ? अरे नहीं भैया, इस वायर को कोई चैलेंज थोड़ना है। तो समुद्र में अच्छा खासा सैकड़ों फीट नीचे ऐसे मोटे मोटे केबल बिछाए जाते हैं और उससे कहीं कनेक्शन होता है, तब जाके इंटरनेट चलता है। जैसा अभी अभी हमने चेन्नई से अंडमान निकोबार के लिए डाला था ना केबल, जिसका अभी अभी शुरुआत की थी मोदी जी ने पिछले महीने की बात है, बराबर वैसा ही। ये है भारत में आईटी सेक्टर की सफलता का राज। अब आप बताइए, 1991 में ये सब कुछ शुरू हो गया, यानी कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। 30 साल पुराना इतना सब कुछ हम कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स निकाल रहे हैं, अरबों का कारोबार चल रहा है, तो आप ही सोचिए, क्या भारत में ऐप बनाना बड़ा मुश्किल काम है? क्या भारत में गूगल जैसा एक सर्च इंजिन बनाना बड़ा मुश्किल काम है? जिस देश में इतनी अच्छी टैलेंट और मैन पावर हो, उसके लिए क्या मुश्किल है?
तो अब लेखक ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया जब सब कुछ है तो आप चाइना को पीटो और आप आगे बढ़ो और आप कुछ अच्छा बनाओ। ये है इस आर्टिकल का पूरा मतलब। समझ में आ गया आपको? पूरी थ्योरी क्लियर हो गई? सब कुछ समझ में आया तो लाइक किया करो यार, शेयर किया करो, दोस्तों को बताया करो जरा इसके बारे में। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2016 व्हाइट हाउस रिपोर्ट, द चाइनीज हैव लीपफ्रॉग्ड। लीपफ्रॉग्ड का मतलब होता है बड़ी छलांग लगाना। इवन द यूएस इन एआई रिसर्च। व्हाट इज एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, स्पेशली इन द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग। इन दिस केस द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बीइंग प्रोड्यूस्ड एक्चुअली बिलोंग्स टू चाइना एंड इज नॉट अ फेथफुल डुप्लीकेट टू समवन एल्स प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी। हाँ अब हुआ ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में चाइना इनफैक्ट अमेरिका से भी आगे निकलने की कोशिश कर रहा है और निकल चुका है। अब हुआ ये है कि कुछ भी अगर वो बनाता है तो उसका पेटेंट किसके पास रहेगा? चाइना के पास रहेगा। और चाइना के पेटेंट पे भरोसा नहीं कर सकते भैया, उसका कोई कॉपीड वर्जन नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए ये माउस चाइना ने बनाया है और अगर इसका पेटेंट इंडिया वाले मांगते हैं और उसके बाद हम भी ऐसा ही वाला माउस बनाते हैं, तो चाइना वाले क्या करेंगे पता है? इस माउस के अंदर कोई एक ऐसी छोटी सी चिप डाल देंगे जो हमको कभी पता भी नहीं चलेगी और सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन चाइना पहुंचती रहेगी। ये है प्रॉब्लम। और इसी बात से इंडिया नाराज है, इसी बात से लंदन और जर्मनी नाराज है, और इसी बात से अमेरिका नाराज है। चाइना की कोई एक सिंपल सी घड़ी भी रहेगी, चाइना की कोई एक कार भी रहेगी, तो उसमें कुछ ऐसे यंत्र लगे होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि वहां तक सिग्नल्स के थ्रू डेटा पहुंचा देती है। चाइना अपने देश के लोगों पे तो पूरी निगरानी रखता है। उनके देश में अगर कोई कार चला रहा है तो वो कार से कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, ये सब कुछ चाइनीज लोगों को मालूम। अब ये लफड़े के वजह से इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारे सिक्योरिटी को कोई थ्रेट पहुंचे। महान नालायक लोग हैं ये लोग, धंधा ढंग से नहीं करते, बिल्कुल प्योर धंधा नहीं करते, इसलिए हमने चाइना को टाटा गुड बाय किया है। दिस हैज फार रीचिंग इंप्लीकेशंस। करंट अफेयर्स शोज अस दैट द यूएस इज लाइकली टू फॉलो इंडियाज लीड बाय बैनिंग चाइनीज ऐप एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज, राइट? हाँ, करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर अपना वाला करंट अफेयर नहीं, करंट अफेयर का मतलब होता है चालू घड़ा मोड़ी जो अभी इस वक्त चल रहा है दुनिया में। वो ये कहता है कि यूएस जो है वो भी वही करने वाला है जो इंडिया ने किया है। क्या करने वाला है? जैसे इंडिया ने 118 ऐप बैन कर दिए, अमेरिका भी एक एक करके सबको लात मार के भगाता जा रहा है, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है यार, ये सारा डेटा चुरा के ले जाएंगे, वहां जाके कुछ भी करेंगे, तो इन सबको तो बंद करो। विद द राइज ऑफ जियो एंड द रेस्पॉन्स फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर, द वाइटनिंग रीच ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन अक्रॉस द कंट्री विल प्रोवाइड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ नॉन अर्बन इंडियन विद फ्लूइड एक्सेस टू द इंटरनेट, है ना? जियो जो कि अब एक बहुत बड़ा पितामा बन चुका है भारत में, तो मतलब सरकार कौन चला रहा है, अंबानी चला रहा है या मोदी जी चला रहे हैं, समझ में ही नहीं आता ना। होता है कि भी आपके साथ, है ना, कभी कभी आपने गलती से मोदी को मोदी की जगह अंबानी को पीएम पर ही बोला है, बताना जरा मुझे। हाँ तो अब ये जो जियो वाले हैं ये इस हद तक पेनिट्रेट हो चुके हैं कि साल 2020 में सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ होगा तो वो मुकेश अंबानी को ही हुआ होगा। तो इन लोगों ने भारत में घर घर इंटरनेट पहुंचा ही दिया है। अब इतना भयानक अगर इंटरनेट इन्होंने पहुंचा दिया है तो अब भारत में करोड़ों करोड़ों लोगों के पास इंटरनेट है, तो देर किस बात की यार, चाइनीज लोगों का इंतजार क्यों करना है, हम खुद कुछ बनाते हैं ना। इंडिया नाउ हैज द लोवेस्ट इंटरनेट डेटा कॉस्ट इन द वर्ल्ड। वाह वाह वाह, वैसे मैंने कल ही 1200 रुपए बिल भरा यार। हाँ खैर एक अलग बात है। हाँ ये बोल रहा है कि दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट डेटा किसका है? इंडिया का है। ऑल राइट, हाँ बिल बड़े भयानक आते हैं बेटा, जियो फाइबर यूज करके देखना, 4K का है ना, बहुत अजीबो गरीब कुछ भी बिल आ जाएगा आपको। इन इट्स अटेम्प्ट टू डोमिनेट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, द चाइनीज इंटरनेट इंडस्ट्री डेस्परेटली नीड्स इंडिया स्पेशली मिंटेड 500+ मिलियन नेटिजन्स टू कंटिन्यू टू एक्ट एज अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर एआई एल्गोरिदम्स दे पुट टुगेदर। वाह बेटा वाह वाह, मतलब हम हैं कुर्बानी देने के लिए, है ना। तो जैसे मान लो कि आप हैं एक बहुत बड़े डॉक्टर, देखो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ जरा सुनना है, ये एग्जांपल से आपको एक झटके में समझ में आ जाएगा। मान लो आप एक बहुत बड़े कोरोना के डॉक्टर, ठीक है, और आपने बना ली अपने प्रयोगशाला में एक बढ़िया सी वैक्सीन, ओके, अब किस पे लगाऊं, खुद पी के देख लूंगा मर मुरा गया तो मैंने क्या किया, मेरे छोटे भाई को पकड़ा, दो झापड़ लगाए और उसको बोला चल तू पी के देख,
तू पी, मैं तेरे ऊपर चेक करूंगा कि क्या असर हो रहा है। हाँ कुछ हुआ तो तेरे को होगा, मैं तो बच जाऊंगा। ये ऐसे काम कर रहा है चाइना। यानी चाइना से जब हमने 118 एप्स को बैन करके भगा दिया, तो चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम जो भारत में प्रयोग के तौर पे वो कर रहा था, 500 मिलियन लोगों पे कर रहा था, अब उसको वो अचानक से रोकने पड़ गए हैं। 500 मिलियन यानी लगभग 50 करोड़, राइट। तो जितने लोग पबजी खेलते रहते हैं ना दिन भर, जिनको ये पता भी नहीं चलता कि उनकी सारी इंफॉर्मेशन चाइना पहुंच रही है, जितने लोग स्नैपचैट, वी चैट या फिर चाइना की कोई और ऐप कुछ भी यूज करते हैं, टिकटॉक बनाते रहते हैं, है ना, पता नहीं गली मोहल्ले के हीरो, आजकल फेम किसी को भी मिल जाता है यार। तो ये जो है टिकटॉकर्स, बड़े बड़े फेमस सेलिब्रिटीज टिकटॉकर्स, तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं चाइना के उस प्रयोग को सफल बना रहे हैं जो वो हमारे ऊपर इतने दिन से कर रहा है। अच्छा हो गया सरकार ने सबको लात मार के भगा दिया, ऑलराइट। हाँ, चाइनाज इंटरनेट इकोसिस्टम इज एंटायरली सेल्फ क्रिएटेड। लो कर लो बात, सारा इंटरनेट सिस्टम चाइना ने खुद ही बनाया है, सेल्फ रन, खुद ही चलाया है, सेल्फ सर्विस्ड, खुद ही सर्विसेज दी है। येट इट एक्सपोर्ट्स द न्यूली बैंड ऐप सच एज टिकटॉक एंड पबजी वर्ल्ड वाइड, एडिंग टू द यूजर बेस्ड ऑफ 900+ मिलियन चाइनीज नेटिजन्स whose data they already have exclusive access to, all right। यानी कहने का मतलब ये है कि इतना सब कुछ खुद किया है, और इसके साथ ही साथ उन्होंने TikTok, PUBG जैसी एप्स जिनको भारत ने अभी बंद कर दिया है, उसको उन्होंने दुनिया के एक-एक कोने में पहुंचा दिया है। यानी भारत का डेटा तो उनके पास नहीं जा रहा है, ठीक है मानते हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज का डेटा तो उनके पास बदस्तूर जा रहा होगा। और अब अमेरिकन को जागना पड़ेगा, लंदन के लोगों को जागना पड़ेगा, और पाकिस्तानियों मत जागो, कोई बात नहीं, तुम तो अपनी आत्मा ही बेच चुके हो चाइना को, क्या फर्क पड़ रहा है आपको। आपका पबजी, आपका टिकटॉक, सब कुछ चाइना में सारी चीजें लाइव दिखाई दे रही होंगी, तो इट्स ओके। द डिसीजन टू बैन सच एप्स इन इंडिया इज नॉट ओनली अ जियोपॉलिटिकल मूव बट आल्सो अ स्ट्रेटजिक मूव मैनूवर दैट कैन हैव सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंपैक्ट। बैनिंग दिस चाइनीज वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस टू द इंडियन पब्लिक इफेक्टिवली अलाउज आवर होम ग्रोन आईटी टैलेंट टू फोकस ऑन द न्यूली अराइव्ड इंटरनेट यूजर। वाह कितनी अच्छी बात है, ये बोल रहा है कि अब क्योंकि हमने सब कुछ बैन कर ही दिया है, तो हमको अब अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल गया है इंडियन आईटी कंपनीज को, वही वाली कंपनीज जो मैंने आपको इस डायग्राम में समझाई पूरी की पूरी, है ना। बिग टेक फर्म्स फ्रॉम सिलिकॉन वैली एंड चाइना इन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हैव बीन इन अ टसल ओवर द इंडियन कंज्यूमर, बट इंडियाज़ फोकस रिमेन्स ऑन एक्सपोर्टिंग आईटी सर्विसेज व्हाइल पेइंग लिटिल अटेंशन टू सर्विसिंग आवर ओन नेशंस टेक मार्केट। बताओ, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनियां जैसे कि चाइना का बाइडू, अमेरिका का गूगल, ये सारे लोग भारत को कब्जे में लेना चाहते हैं, और ये भारत का मार्केट पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, और भारत है कि खुद कुछ नहीं करना चाहता और जितना हो सके सारा डेटा, सारी चीजें विदेश में भेजता जा रहा है। अरे कमाल है यार, अपने देश में कुछ बनना चाहिए और अपने को अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, राइट। हाँ, लेकिन ये तभी होगा बेटा जब इंजीनियरिंग किए हुए लड़के इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कुछ करेंगे, बैंकिंग का फॉर्म भरते नहीं घूमेंगे। बीए के बच्चे जब अच्छे वकील बनेंगे, बीकॉम किए हुए बच्चे अर्थशास्त्री बनेंगे, एमबीए किए हुए बच्चे अच्छी कंपनियां खोलेंगे। अपने यहाँ सब के सब क्या करते हैं, IBPSPO, जिंदाबाद, बढ़िया है, करते रहो। मोस्ट अलार्मिंगली, व्हाइल वी हैव स्पेंट द लास्ट टू डिकेड्स एक्सपोर्टिंग द बल्क ऑफ आवर टेक्नोलॉजी सर्विसेज टू डेवलप्ड कंट्रीज इन द वेस्ट, द वैक्यूम क्रिएटेड एज द इंडियन इंटरनेट ग्रू हैज बीन फिल्ड बाय अमेरिकन बिग टेक एंड बाय द चाइनीज। आफ्टर द रिमूवल ऑफ मोर देन 118 चाइनीज एप्स, इंडियन टेकीज हैव स्टार्टेड ट्राइंग टू फिल द होल्स विद द copycat replacement website and applications, but faithful copies are not enough for us to make full use of China's exit। हाँ, अभी देखिए हुआ ये कि जैसे ही चाइना वाले अपने पूरे 118 ऐप का बोरिया बिस्तर बांध के इंडिया से चले गए, हमारे यहाँ ना अचानक से एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, अचानक से खालीपन महसूस होने लग गया। पबजी नहीं है तो लोग रो रहे हैं, कोरोना से जो मर गया उसके ऊपर रोना नहीं आ रहा है ना लड़कों को, पबजी बंद हो गया इस पे रोना आ रहा है, टिकटॉक बंद हो गया
तो जो जितने हीरो हीरोइन बन के घूम रहे थे टिकटॉक पे, उन सबका तो धंधा ही बंद हो गया। उन सबको कौन पूछेगा, उन सबको अब लाइक कौन करेगा, शेयर कौन करेगा, ये समस्या आ गई। तो इस गौतम गंभीर समस्या से निकलने के लिए हमने क्या किया, हमारे ऐप बनाए कॉपीकैट वर्जन वाले। लेकिन लेखक ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया आखिर कुछ भी हो वो कॉपीकैट ही है ना, वो चाइना के एक्चुअल ऐप को कैसे रिप्लेस करेगा, हमें कुछ और अच्छा सोचना पड़ेगा, कुछ और बड़ा करना पड़ेगा। द प्राइमरी इंडियन आईटी ऑब्जेक्टिव मस्ट शिफ्ट फ्रॉम सर्विसिंग अदर्स टू प्रोवाइडिंग फॉर आवरसेल्व्स। इन द एब्सेंस ऑफ चाइनीज टेक, इंडियन एंटरप्रेन्योर शुड नॉट सिंपली लुक टू रिप्लेस व्हाट द एक्साइटिंग फॉर्म हैव सो फार बीन एग्जिटिंग फॉर्म हैव सो फार बीन प्रोवाइडिंग। दे शुड फोकस इंस्टेड ऑन प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स ऑफ हाई क्वालिटी, दे विल बी यूज्ड फॉर एवरी इंडियन अक्रॉस द कंट्री। हाँ, ये बात बड़ी अच्छी है दोस्तों। लेखक ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये मत सोचो कि चाइना के ऐप वाले अभी तक क्या देते थे, आप ये सोचो कि वो कुछ भी देते होंगे अभी तक, पबजी जैसा गेम देते होंगे, टिकटॉक जैसी ऐप देते होंगे, कुछ भी। अब आप वो बनाओ जो इस देश के लोगों को जरूरी है, अब आप वो बनाओ जो इस देश के यूथ के लिए जरूरी है, अब आप ऐसे एप्स बनाओ जो इस देश के बच्चों के लिए जरूरी है, बुजुर्गों के लिए जरूरी है। बिगाड़ने वाले नहीं, बनाने वाले ऐप बनाओ जो कि इस देश को सही दिशा में आगे ले जा सके। ये नहीं कि 1.5 GB का डेटा रोज फ्री मिल रहा है तो सवेरे 9 बजे से जो पबजी खेलता बैठा है, टिकटॉक बनाते बैठा है, कमरे में खुद को बंद करके और एक उल जुलूल हरकत करके 1 मिनट का एक फालतू सा वीडियो बना लिया जिसके ऊपर 350 लाइक आ गए, वाह वाह वाह, पूरा दिन बन गया। ये हरकतें ना करो भैया, जरा पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचो, देश के बारे में सोचो, अपनी सेहत के बारे में सोचो, अपने माँ बाप के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। ऐसी कोई ऐप आए जो आपकी बुद्धि का मापदंड नाप के आपको बता सके कि कितने महा बेवकूफ हैं आप लोग, तो इस तरीके से कुछ अच्छा करना जरूरी है, ये बोल रहे हैं लेखक। द एम ऑफ प्रोवाइडिंग नेटिजंस विद द सेम सर्विसेज अक्रॉस डाइवर्स मार्केट इज ओवरआर्किंग रीजनल बैरियर्स क्रिएटेड बाय लैंग्वेज एग्जिस्ट विद इन आवर ओन नेशन। दिस प्रोवाइड एन एक्विजिशन ऑफ एक्सीलेंट स्मॉलर मार्केट्स विद अपॉर्चुनिटीज ऑफ स्पेशलाइज्ड इंटरनेट सर्विसेज। हाँ यार, ये बात तो मैंने सोची नहीं थी यार, बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई है यहाँ पर। ओके, समझाता हूँ समझाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, क्रिएटेड फॉर अ लोकल कम्युनिटी बाय द कम्युनिटी इटसेल्फ। अभी देखो, सिंपल सी बात सोचो, जैसे आप लोग उम्मीद करते हो कि यार हिंदी में पढ़ाओ मराठी में पढ़ाओ, यार हमको है ना हिंदी मराठी में पढ़ाया, मराठी में पढ़ाया तो ज्यादा अच्छा है, हिंदी में पढ़ाया थोड़ा कम अच्छा है, चलो लेकिन बर्दाश्त कर लेंगे, शक्ल कितनी भी खराब हो ठीक ठाक पढ़ा रहा है ठीक है चलेगा। हाँ, तो अब आप लोग ये सोचते हो कि हमें हमारी मातृभाषा में चीजें मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। अब आप ही सोचो, भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं, अमेरिका की कौन सी कंपनी इतने भाषाओं में अलग अलग चीजें दे पाएंगी, चाइना की कौन सी कंपनी इतने अलग अलग भाषाओं में चीजें दे पाएंगी, ये कौन कर पाएगा, सिर्फ हम लोग कर पाएंगे, देश के अंदर के लोग कर पाएंगे। समझ में आया? हमारे मंदिर, हमारे त्योहार, हमारे भगवान, हमारी अलग अलग कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान, हमारी वैविधता, ये सारी चीजों को असली में कौन समझता है? हम समझते हैं। और इन सब चीजों के लिए जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से अगर छोटे छोटे कंपनियां अपने अपने एरिया में अपने अपने आईटी फॉर्म्स खड़े करें और उतने लोगों को अगर मान लो एक अलग अलग वैरायटी के ऐप देते चले उनकी भाषा में, तो नथिंग लाइक दैट। ये है भारत की सबसे बड़ी जीत। समझ में आया कि नहीं आपको? आपको एक उदाहरण बताता हूं दोस्तों, आपको ना यकीन नहीं होगा। 1992 से लेकर 1995 के बीच की बात है, मैकडॉनल्ड्स भारत में आया था, जो आज बदस्तूर चलता है ना इंडिया में, वो उस समय आया था। वो आया, फीके फीके बर्गर जो उनके देश में चलते हैं, जापान में चलते हैं, चाइना में, जर्मनी में चलते हैं, वैसे वाले बर्गर वर्गर लेके आया और उसके बाद यहां पर दुकान खोल ली। लोगों को इसके बर्गर और लोगों को इसकी जो भी चीजें हैं कुछ भी नहीं पसंद आई, लोग मैकडी जाना ही बंद कर देते थे, लोग जाते ही नहीं थे, किसी को पता ही नहीं था क्या है, क्या फालतू चीजें बेच रहा है। मैकडी को करोड़ों का नुकसान हुआ, मैकडी वापस चला गया। वापस जाने के बाद मैकडी ने करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके रिसर्च किया कि यार ये इंडियंस खाते क्या है, क्यों नहीं, मैं तो दुनिया के हर कंट्री में बर्गर बेचता हूं यार, मुझे ये प्रॉब्लम कहीं नहीं आया, इंडिया में क्यों आया। तब करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, मैकडी को पता चला कि अरे यार ये इंडियंस,
इनके यहाँ तो हर जगह भाषा, खाने पीने की सारी चीजें बदल जाती है। इसका मतलब ये कि इनके यहाँ वैसी वैरायटी देनी पड़ेगी जैसे ये खाते हैं। ऊपर से इंडियंस को स्पाइसी पसंद है, ये बिना स्पाइसी वाली कोई भी चीज खाते ही नहीं है, इतना फीका तो ये कुछ खाएंगे ही नहीं। फिर मैकडी दोबारा आया, अपनी गलतियों से सीख के आया, और उसके बाद मैकडी ने क्या शुरू किया, आलू टिक्की। बताओ दुनिया में कहीं आलू टिक्की बेचता होगा? हमारे यहाँ बेचता है आलू टिक्की, क्योंकि उसको पता है कि इंडियन कस्टमर को सर्विस देनी है तो कैसे देनी है। आपको एक और बात बताऊं, मैकडी अपने किसी भी प्रोडक्ट के साथ टोमेटो पाउच नहीं देता, सैशे नहीं देता सिवाय भारत के। ये एक बड़ी बात है। मिलता भी होगा कहीं तो डिमांड पे मिलता होगा, अपने यहाँ फ्री में मिलता है क्योंकि अपने यहाँ स्पाइसी खाने की आदत है। ये एक चीज है, तब जाके मैकडी हिट हो पाया। अब ये जो चीजें हैं ये कौन समझता है? हम समझते हैं। ये जो चीजें हैं ये भारत की संस्कृति में बसी हुई है, और इन संस्कृतियों के हिसाब से भारत की अगर कंपनियां लोकल एप्स बनाएं तो क्या बात हो जाएगी, बहुत बढ़िया होगा। ये लेखक का कहना है। कितनी अच्छी बात है ना दोस्तों, राइट? आगे बढ़ते हैं। द फंडामेंटल फोकस ऑफ द न्यू डिजिटल प्रोडक्ट्स दैट प्लान टू इमर्ज इन द ग्रोइंग मार्केट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर शुड बी प्रोवाइडेड provide for hyper regional necessities and preferences. With this in mind, there are several commercial opportunities available. For example, app services that provide specific market prices, local train and bus route, allow for non-traditional banking and lending, education, health, online sales, classified advertising and so on. लेखक का कहना ये है कि अरे भैया, आप पूरे देश का नहीं, लोकल लोकल एरियाज के लिए ऐप बनाना शुरू करो। जैसे उन्होंने बोला कि कितना अच्छा होगा अगर कोई ऐसी ऐप होगी जो किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लो औरंगाबाद, तो औरंगाबाद के बाजार के भाव बता रही है, औरंगाबाद में ही आने वाली ट्रेन्स बता रही है, औरंगाबाद के बस रूट बता रही है, औरंगाबाद के जो लोकल नॉन ट्रेडिशनल बैंकिंग और लेंडिंग सेक्टर है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ऑनलाइन सेल्स है, इनके बारे में बता रही है। तो लोकल चीजों की आपको पूरी डिटेल वहां के वहां मिल जाएगी। अगर ऐसा किया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। वैसे मैं एक बात बताऊं, ये सब ऑलरेडी चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है, लोकल एप्स तो है ही ना यार। हाँ, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है जितने इफेक्टिवली है होने चाहिए। ऑलराइट, इट्स हाइपर लोकल हाइपर रीजनल। एसेसिबिलिटी इज ऑल्सो क्रूशियल। विद द राइज इन द माइग्रेंट वर्क एंड लेबर ऑल ओवर द कंट्री, अ न्यूज और बैंकिंग एप विद से एन ओडिया इंटरफेस शुड वर्क एवरीवेयर दैट ओडिया स्पीकिंग पीपल माइग्रेट टू। हाँ देखो, अभी आपको पता है कि लॉकडाउन में माइग्रेंट वर्कर्स पूरे इधर उधर बिखर गए, सब अपने अपने घर लौट गए, और उसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया। मान लो एक ऐसा ऐप होगा जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स कहाँ पर है ओडिया भाषा में होगा, तो ओडिया भाषी जितने माइग्रेंट लेबर्स और वर्कर्स हैं वो भारत में कहाँ कहाँ किस कोने में बसे हुए हैं वो पता चल जाएगा तुरंत। इस तरीके से काम करना पड़ेगा। हाउएवर, नेशनल एसेसिबिलिटी ऑन इट्स ओन विल नॉट मेक एन ऐप गेम चेंजर। इंडियंस आर सेवी इनफ to being what a world class app is. If we create hyper local and hyper regional service of high quality and great accessibility that are also portable across our linguistic diversity, we are far more likely to succeed in creating one of the strongest internet markets in the world. अगर हम अलग अलग भाषा और अलग अलग डाइवर्सिटी के हिसाब से अपनी ऐप बना पाए तो हम दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग ऐप और इंटरनेट मार्केट्स में से एक बन जाएंगे, रादर देन क्रिएटिंग कॉपी कैट एप्स और एप्स दैट ओनली केटर टू इंग्लिश स्पीकर। और हमको कॉपी करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और हमको इस तरह की भी चीजें नहीं बनानी पड़ेगी जो केवल अंग्रेजी जानने वालों को ही समझ में आती है। अभी जैसे देखो यार, मैं एक एक अपना पर्सनल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। गूगल नेविगेशन शुरू करो। हाँ, अब मुझे मान लो यहाँ से जाना है एयरपोर्ट जाना है। अब यहाँ से एयरपोर्ट करीबन करीबन मेरे शहर में 21 किलोमीटर दूर है। अब मैं यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए गूगल नेविगेशन शुरू करूंगा, रूट वगैरह देखूंगा और डालूंगा। अब वो जो बोलेगी है ना, जो वो गूगल वाली आवाज में जो एक आवाज आती है जिसमें वो रास्ता बताती है, अब वो जो बोलेगी उसकी भाषा कितने लोगों को समझ में आती है? ईमानदारी से बताना कितने लोगों को समझ में आती है। ओके, मतलब किसी यानी मान लो कोई ऐसा होगा श्रीराम चौक, तो हम बोलेंगे उसको श्रीराम चौक और उसका प्रोनंसिएशन रहेगा श्री राम चौक, राइट, श्री राम स्क्वायर। अब इस तरह से कुछ अजीबोगरीब भाषा में वो बोलेगी जो हमारे सर के ऊपर से चला जाएगा, राइट।
अब आप सोचो अगर यही काम लोकल प्रादेशिक भाषा में, मराठी में, गुजराती में, तेलुगु में, कन्नड़ में, है ना, राजस्थानी में, ऐसा अगर होने लगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। ये इनके बोलने का मतलब है। टेक्नोलॉजी कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव फोकस्ड देयर एफर्ट्स ऑन द 15% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विद डीप पॉकेट्स व्हाइल लार्जली इग्नोरिंग द अदर 6 बिलियन डेनिजंस ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। यानी आज के डेट में ये जो एप्स और टेक्नोलॉजी का जो ये एक्सेस है, ये दुनिया के केवल 15% लोगों को मिल रहा है, बाकी अरबों अरबों लोग, सॉरी करोड़ों करोड़ों लोग अभी भी इससे अछूते हैं। सम सिंपैथेटिक नॉइसेस अबाउट इमर्जिंग मार्केट्स आर मेड बट द वाटर्स मेन लार्जली अनटेस्टेड। लेकिन अभी भी बहुत सारी कंट्रीज में ये चीजें नहीं पहुंची है। जाते जाते आखिरी का पैराग्राफ पढ़ते हैं। इफ वी गो फॉरवर्ड विद द एम ऑफ सर्विसिंग अवर ओन इंडियाज एक्सपीरियंसेस एज अ मॉडर्नाइजेशन पावर आर ऑफ ग्रेट यूज टू द बल्क ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विच लिव्स इन पेन्यूरी, पेन्यूरी का मतलब अत्यंत गरीबी में, व्हेन कंपेयर्ड टू इट्स वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स, वी कैन एक्सपोर्ट अवर इंडिया स्टैक टू अदर कंट्रीज इन द साउथ सच एज दोस इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। वी हैव सक्सेसफुली डन दिस बिफोर विद अवर आउटस्टैंडिंग रेलवे टेक्नोलॉजी। देर इज नो रीजन वी कैन पुल ऑफ द सेम अचीवमेंट विद अवर होम ग्रोन इंटरनेट पावर। लेखक जाते जाते इतनी अच्छी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे बल्क की पॉपुलेशन भारत में है और हमारे यहाँ और दुनिया भर में ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं जहां तक सुविधाएं, इंटरनेट कुछ भी आज नहीं पहुंच पाया है। तो अगर भारत जरा इन चीजों पर ध्यान देकर सस्ते दाम में, क्योंकि दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट वैसे भी भारत में है, सस्ते दाम में ये सब कुछ कर देता है तो ये भारत ही नहीं दुनिया के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद साबित होगा। और हमने ऐसा ऑलरेडी किया है रेलवे के मामले में। अब आप जानते हैं ना, रेलवे तो गरीब अमीर कुछ देखता ही भैया, हर कोई आज के डेट में गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, ट्रेन का सफर तो कर लेता है। तो हम ये बहुत प्राउडली कह सकते हैं कि भारत में ट्रेन हर वर्ग के लिए है और हर किसी की पहुंच में है। ठीक वैसे ही अगर हम इंटरनेट को बना पाए तो ये हमारे लिए बहुत 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 बड़ी सफलता होगी। सिद्धार्थ पाई जो हमारे लेखक हैं आज के, वो सियाना कैपिटल के फाउंडर हैं और वेंचर कैपिटल फर्म चलाते हैं इंडिया डीप टेक एंड साइंस पर फोकस करते हुए। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ साहब, आपका ये आज का आर्टिकल हमारे चक्षु खोल गया। बहुत सी बातें इसमें हमको समझने को मिली, अच्छी अंग्रेजी जानने को मिली, कुछ वोकैब के अच्छे वर्ड्स भी समझने को मिले, और इतना ही नहीं, बहुत ही शानदार तरीके से आपने इन चीजों को प्रस्तुत किया है जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो दोस्तों, आर्टिकल आपको कैसा लगा जरा मुझे कमेंट थ्रेड में बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि आने वाले दिन में ऐसा कोई टॉपिक जिसके ऊपर आप स्पेशली लेक्चर चाहते हैं तो वो भी जरा मुझे कमेंट थ्रेड में लिखिएगा। दोस्तों देखो भाई, आपको एक बात मैं बता देता हूं, आपका लाइक या शेयर करना ये मेरी सफलता या इस लेक्चर की सफलता का प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन आपके द्वारा दिया गया ये प्रोत्साहन कहीं ना कहीं आने वाले समय में टीम को इतना प्रोत्साहित करता है ताकि वो आपके लिए बहुत कुछ कर सके। इसीलिए कोशिश ये करिए कि सबका मनोबल बनाए रखिए। अगर आप चीजों को फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो उसके साथ आपको इस चीज का एप्रिसिएशन जरूर करना चाहिए। बहरहाल, अगर आप चाहते हैं कि चीजों में कोई सुधार हो, चीजों में कोई इंप्रूवमेंट हो, तो उसके बारे में भी हमें जरूर लिखें कमेंट थ्रेड में। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स या फिर आपके सुझाव पढ़कर हमको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, आने वाले दिन में बहुत सारे स्पेशल बैचेस आने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट के लिए, एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, यहां तक की बैंकिंग अवेयरनेस के लिए अलग अलग बैचेस में अनाउंस करने ही वाला हूं, तो कहीं जाइएगा मत। ज्ञानबाजी पर आपको बहुत कुछ आने वाले दिन में मिलने वाला है। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, इस पर जाइए और यहां से सारा मटेरियल आप डाउनलोड करते चलिए। बहुत जल्दी मैं इसमें पीडीएफ भी शुरू करने वाला हूं। एक कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये। मैं आपको एक बार ढंग से बता दूं कि मेरी इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मैथ्स रीजनिंग नहीं मिलेगा, ये केवल जीके एक्सपर्ट चैनल है, तो वहां पर आपको करंट अफेयर से जुड़ी हुई सारी चीजें मिलेंगी। तो आप दुनिया भर के चैनल ज्वाइन करिए, नो प्रॉब्लम। बात जनरल अवेयरनेस की है तो वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहे यूट्यूब चैनल का हो चाहे टेलीग्राम का हो, इट इज ज्ञानबाजी। ऑलराइट, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और आने वाले दिन में हमें ऐसे ही एनकरेज करिए, मोटिवेट करते रहिए। दोस्तों चलिए, फिर मिलते हैं कल किसी और आर्टिकल के साथ, और आज शाम को 7 बजे आईसीआईसीआई का स्पेशल सेशन देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।
थैंक यू एंड बाय बाय।